हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड, यानी खेल प्रशिक्षण एंड शिक्षा विधियाँ। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आई होप आप उसे देख चुके होंगे। एंड थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड एंड मोटर स्किल रिलेटेड, सुपर कंपनसेशन, ट्रेनिंग साइकिल, प्रियोडाइजेशन, शिक्षा विधियाँ, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ऑनलाइनर के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ। जैसा कि अब आपके पास टाइम नहीं है, तैयारी 3 में बीपीएससी के लिए बहुत ही कम टाइम दिया है दोस्तों, तो आपके लिए ही नहीं, सभी कैंडिडेट के लिए कम टाइम मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है कि ये हमें अभी और ज़्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों को सुधार कीजिए। और जो भी स्टेट वाले फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, उन लोगों के लिए भी सभी वीडियोज हैं, एंड बीपीएससी के लिए भी, एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्कीप मत कीजिएगा, सभी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों आपके हित की ही बात किया जाता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही वीडियो बनाया जाता है, टाइम पास यहाँ पे नहीं होता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करना चाहिए। तो जब हम वेट ट्रेनिंग, बल प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो दो अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करना चाहिए, तो 48 घंटे, यानी कि 2 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, खेलों में संवेदना प्रशिक्षण का बेहतर तरीका क्या है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है उदात्तीकरण, यानी इंग्लिश में सबलिमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीक भाषा में डेको बोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी तकनीक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ग्रीक भाषा में डेको बोलस का अर्थ है चक्का फेंकने वाला। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी को बर्न करती है, यानी जलाती है। तो दोस्तों, जैसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पे दौड़ना, यानी कि जो रनिंग है, वो सबसे ज्यादा कैलोरी को बर्न करती है। नेक्स्ट है, एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापिस बेंच पर आ जाना, यह किस प्रकार के भार को दर्शाता है। तो दोस्तों, यह प्लायोमेट्रिक्स अभ्यास है जो विस्फोटक शक्ति को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, क्षमता के हिसाब से जब एक खिलाड़ी का प्रशिक्षण भार न तो इतना कम हो और न ही इतना ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम ऑप्टिमल लोड, या हिंदी में अनुकूलतम भार कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहा जाता है कंसेंट्रिक खिंचाव, जो आइसोटोनिक कंट्रक्शन यानी व्यायाम का प्रकार है। जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 3 विधियां होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक जो होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, बट पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है, 2 प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। जैसे हम डंबल अभ्यास कर रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ डंबल्स को लाते हैं तो फ्लेक्शन होता है, यानी कि दोनों मांसपेशी की लंबाई कम होती है, जिसे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। जब हम डंबल्स को नीचे की तरफ लाते हैं तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, तो इस कंडीशन को इसेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि है जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, वो होता है पीएनएफ मेथड, जिसका पीएनएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोप्रायोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। पीएनएफ मेथड जो है, यह लचकता बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि होती है। जैसा कि आपको पता है कि लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की 4 विधियां हैं, बैलेस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक एंड पीएनएफ मेथड। इसमें से पीएनएफ मेथड जो है, यह लचीलेपन की वह विधि है जो मांसपेशियों को रिसेप्टर ऑर्गन तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है।
एंड लचकता बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि होती है। और अधिकतम लचकता जो है दोस्तों वह 180 डिग्री तक होती है। और जो PNF मेथड होता है यह उच्च स्तर के खिलाड़ी द्वारा लचीलापन हासिल करने में उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतम पेशी शिथिलन हासिल करने की एक प्रयास में इसे खींचने से पहले पेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है, ताकि पेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। यह पेशी की रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्यतः 2 से 3 गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को ऐसे तैयार करना जो कि मांसपेशी में ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ग्लाइकोजन लोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायामों के कारण खिलाड़ियों में मांसपेशी का बढ़ जाना इसे कहलाता है पेशी हाइपरट्रॉफी यानी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी से, क्या एस्ट्रॉफी भी बोल सकते हैं, जैसा कि BPSC TI 2 में पूछा हुआ था एस्ट्रॉफी वाला क्वेश्चन। तो जब हम लंबी अवधि के व्यायाम के कारण खिलाड़ी की जो मांसपेशी होता है मजबूत और लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे पेशी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, और जब व्यायाम की कमी के कारण मांसपेशी कमजोर और छोटी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रॉफी या ऑट्रॉफी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, धैर्य बनाने से ही आपका एग्जाम निकलेगा। थोड़ा सा देख के आप भाग जाएंगे, आपको लगेगा कि अब नहीं देखेंगे, मन नहीं कर रहा है, तो मन को अपने काबू में रखेंगे तभी एग्जाम निकल पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है, जैसा कि दोस्तों अधिक मात्रा में तेल का सेवन करना, और जैसे कि सैचुरेटेड फैट खाने से, जबकि हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट लाभदायक होता है और सैचुरेटेड फैट लाभदायक नहीं होता है। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है जैसे मूंगफली, बादाम, घी आदि में पाया जाता है, और सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, जैसा कि नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है, तो नियमित व्यायाम करने से जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो हमारे शरीर में HDL की मात्रा को बढ़ा देता है, और HDL की मात्रा को बढ़ा देता है और LDL की मात्रा को कम कर देता है। तो दोस्तों, HDL कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, HDL एंड LDL। HDL मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए खराब होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रशिक्षण यानी वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है, तो दोस्तों यह होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, जब भी स्ट्रेंथ यानी शक्ति की बात आए वहां मांसपेशी की भी बात आएगी, मांसपेशी के आकार और शक्ति को बढ़ाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों को शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन 100%, कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों को शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है, तो चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। जैसा कि दोस्तों आपके एग्जाम में पार्टियल कर अप आया था, जिसे आप लोग समझ नहीं पाए थे, दूसरा ऑप्शन मार दिए थे उसको, पेट की शक्ति सहनशीलता को बढ़ाता है पार्टियल कर अप। तो यहाँ पे दिया है कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है, तो चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। दोस्तों, आपको सीनियर सिटीजन फिटनेस यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की जो फिटनेस टेस्ट है, इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत 6 टेस्ट आते हैं, जिसमें से पहला है चेयर स्टैंड परीक्षण, दूसरा है बाजू मोड़ने का परीक्षण यानी कि आर्म कर्ल टेस्ट, तीसरा है चेयर सीट एंड रीच परीक्षण, चौथा है बैक स्क्रेच टेस्ट, पांचवा है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, छठा है 6 मिनट चाल परीक्षण यानी 6 मिनट वॉक टेस्ट। जिसमें से जो चेयर स्टैंड परीक्षण है दोस्तों, वह शरीर के निचले भाग की शक्ति का मापन करता है, मुख्यतः पैरों की शक्ति शामिल है। जो सीढ़ियां चढ़ने या किसी वाहन में चढ़ने या उतरते समय या बाथ या टब अथवा कुर्सी पर बैठने जैसे कार्य हेतु आवश्यक होता है।
और दूसरा होता है जो आर्म कर्ल टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन टेस्ट यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेस्ट होता है आर्म कर्ल। अब कर्ल मतलब होता है मोड़ना, याद रखिएगा। तो इसमें जैसे कि हम डंबल्स का अभ्यास करते हैं, तो यह आर्म कर्ल अब क्या करता है, यह ऊपरी भाग की शक्ति की माप यानी वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि को जांचने के लिए डिजाइन किया गया है आर्म कर्ल अप। और आर्म कर्ल अप का उद्देश्य होता है ऊपरी भाग की शक्ति सहन क्षमता का मापना, जो घरेलू कार्यों वस्तुओं को उठाने तथा ले जाने जैसे कार्य हेतु आवश्यक होता है। तीसरा होता है सीनियर सिटीजन टेस्ट में चेयर सीट एंड रिज टेस्ट, जो निचले भाग की लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। चौथा होता है बैक स्क्रैच टेस्ट, जो कंधों की लचक को मापता है, लचीलापन को। पांचवा होता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, यह समन्वय क्षमता तथा फुर्ती यानी एजिलिटी को मापता है, जो चलते समय गति फुर्ती तथा संतुलन का मूल्यांकन करता है। छठा होता है सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेस्ट 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो एरोबिक क्षमता या सांस क्षमता को मापता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास को सुनिश्चित करता है, वह होता है दोस्तों आवर्तनीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रायोरिटाइजेशन, जिसके अंतर्गत प्रिपेटी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड रिकवरी पीरियड होता है। एंड इसको इस प्रकार से भी बांट सकते हैं 3 फेज में, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल कूद प्रशिक्षण में अति भार यानी ओवरलोड का संबंध उस स्थिति से है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं होती है, तो उसे हम अति भार कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सतत प्रशिक्षण की संकल्पना, सतत प्रशिक्षण यानी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, लगातार प्रशिक्षण की, तो 1920 में डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन आकेन के द्वारा सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना दिया गया था। सतत प्रशिक्षण यानी कि लगातार प्रशिक्षण की विकसित करने की 4 विधियां होती हैं, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस, वेरिएबल पेस मेथड एंड फार्टलेक मेथड, जबकि सहनशीलता को डेवलप करने की 4 विधियां होती है सतत प्रशिक्षण यानी कि कंटिन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड, जिसके बारे में मैंने स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले आप पार्ट में जाइए प्लेलिस्ट में, चाहे स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेशन। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा वेट ट्रेनिंग प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वेट ट्रेनिंग जो है वह आइसोटोनिक प्रशिक्षण में आता है, ठीक है, जिसे मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती है वो आइसोटोनिक में आएगा, जिसमें मांसपेशी की लंबाई न घटती है न बढ़ती है यानी गति होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो वो हम आइसोमेट्रिक में आएगा, जैसे दीवार को धक्का मारना। और जिसमें सेम गति होती है मशीनों द्वारा किया जाता है पानी वाले में, गेमों में जैसे कि रोइंग, तैराकी आदि, वो आइसोकाइनेटिक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भार की विशेषता, विशेषता का मतलब होता है एक। नेक्स्ट दोस्तों कि उच्च प्रतिस्पर्धी आवृत्ति की आवश्यकता किस अवधि में अति आवश्यक होती है, तो दोस्तों उच्च प्रतिस्पर्धी आवृत्ति यानी कि हाई इंटेंसिटी वाले जो एक्सरसाइज या प्रशिक्षण होता है वह प्रतिस्पर्धा काल यानी कि कंपटीशन पीरियड में होना चाहिए। जो हमारा प्रायोरिटाइजेशन होता है अवधिकालीनता 3 भागों में होता है, प्रिपेटरी पीरियड यानी कि जो तैयारी का काल होता है जिसमें थोड़ा जो आपका इंटेंसिटी तीव्रता होती है कम रखा जाता है, और दूसरा काल होता है आपका कंपटीशन जिसमें कि हाई इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, और तीसरा काल होता है ट्रांजिशनल पीरियड जो रिकवरी पीरियड होता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रशिक्षण में खर्च की गई कैलोरी को किस सूत्र के द्वारा मापा जाता है, तो प्रशिक्षण में खर्च की गई कैलोरी को वजन यानी पाउंड गुणे 10 प्लस भागा 24 गुणे MET। नेक्स्ट दोस्तों, निष्पादन प्रदर्शन, निष्पादन यानी कि प्रदर्शन की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक
विशेष रूप में किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो फीडबैक के द्वारा ही यानी मूल्यांकन के द्वारा हम हमेशा उसकी कमियों को देखते हैं, क्या कमी रह गई, और फिर उसको तकनीक सुधारने हेतु वो हमारे लिए मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है, तो उसे कहते हैं फोर्स, यानी स्ट्रेंथ की बात होगा तो डायनेमोमीटर ही आएगा, तो ग्रिप डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, शब्दों को पकड़िएगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, एक पहली कक्षा का शिक्षक छात्रों को ढोल की आवाज पर मार्च करवा रहा है, कौन सा निर्देश स्थानिक जागरूकता और संबंध जागरूकता के गति अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो दोस्तों वह होता है अपने सामने के व्यक्ति के पीछे पीछे चलना। मार्च में क्या होता है, आगे वाला जैसा करता है उसी तरह पीछे वाला करता है, लेकिन खुद से दूरी रखना, खुद से दूरी रखना। नेक्स्ट दोस्तों, आंशिक अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किस रूप में जाना जाता है, तो उसे फ्रैक्शनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधिक उन्नत प्रकार का फ्लेक्सिस ट्रेनिंग है जिसमें लक्षित मांसपेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल होता है, यह प्रक्रिया किससे संबंधित होता है, या तंत्रिका पेशी सरलीकरण जिसमें प्रायो न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन पीएनएफ मेथड की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, एक विशेष खेल के लिए एक नए खेल कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को कौन सा पहल करना चाहिए, तो वह कौशल का परिचय सबसे पहले, हम कोई नए कौशल को सिखा रहे हैं तो सबसे डायरेक्ट हम उसके बारे में सिखाना शुरू नहीं कर देंगे, सबसे पहले उस कौशल के बारे में परिचय देंगे क्या है। नेक्स्ट है, जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना की तीव्रता के प्रतिरोध से उबरने की एक मांसपेशी की क्षमता मानी जाती है, तो दोस्तों जितनी जल्दी और तीव्रता और तेजी शब्द आए और उसके साथ प्रतिरोध शब्द आए, वहां पे आप जान लीजिएगा दोस्तों विस्फोटक शक्ति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे विस्फोटक शक्ति राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन रील को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो दोस्तों वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपने सामान्य अवस्था में रिकवरी करने के लिए शरीर में लेना होता है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन ड्रिल। ठीक है दोस्तों, जब हम साधारण स्थिति में हैं और जब अभ्यास कर रहे हैं तो एक समय आता है कि ऑक्सीजन लेवल खत्म होने, जितना शक्ति से हम एक्सरसाइज या व्यायाम कर रहे हैं उतना तेजी से ऑक्सीजन नहीं हमारे शरीर में बर्न हो पा रहा है, ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर में थकावट आने लगती है, हमको लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिकवरी फेज में आप जल्दी जल्दी हाँफने लगते हैं, तो ऊर्जा बनाने में जो अतिरिक्त ऑक्सीजन लिया जाता है उसी को ऑक्सीजन कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक व्यायाम विशेष उपकरण के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि चाहे कितना भी जोर लगाया जाए गतिविधि एक स्थिर गति से होता रहे। दोस्तों स्थिर गति, मैंने कभी शाब्दिक अर्थ कई बार बताया है आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक का, तो स्थिर गति एक समान गति, आइसो मतलब होता है सेम, काइनेटिक मतलब गति, यानी एक समान गति यानी सेम गति, ठीक है, तो वो आइसोकाइनेटिक होगा। जैसे कि जो भी मशीनों के द्वारा किया जाता है उसमें एक समान गति होता है, आइसोकाइनेटिक यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्राणधार क्षमता क्या है यानी वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो वाइटल कैपेसिटी का सूत्र होता है ज्ञात करने का टाइडल वॉल्यूम प्लस सप्लीमेंट्री एयर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर, जो 4600 ml होता है, और जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है वो 5.8 ml होता है, 5.8 L, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाटर कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल एयर,
तो प्राणहरण क्षमता क्या होता है? अधिकतम अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन के बाद हवा की वह सबसे बड़ी मात्रा जो श्वसन द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यायाम के बाद स्थिर या शांत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह क्या करता है, लैक्टिक अम्ल को निकालता है। कोई भी क्रिया या खेल करने से पहले हम वार्म अप करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं, जिससे बॉडी में लचीलापन आता है, जिससे चोट कम लगता है। और जब हम क्रिया संपन्न कर लेते हैं तो जो लैक्टिक अम्ल बना रहता है, थकावट हुआ रहता है, उसको शांत करने के लिए हम व्यायाम के बाद कूलिंग डाउन करते हैं, शांत होना उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर जहां पर वायुमंडलीय दबाव आधा है, फेफड़ों की वेंटिलेशन क्रिया बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी TI2 में आया था कि अधिक ऊंचाई पर किसका स्तर बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन का दबाव कमी हो जाता है, तो हवा का दबाव बढ़ जाता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, जैसा कि मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके लिए वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है, जो फेफड़ों की वेंटिलेशन क्रिया होती है वो बढ़ जाती है, सांस लेने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, और वह किसके रूप में जानी जाती है, तो आप सब समझ ही गए होंगे, उसे आइसोटोनिक के रूप में जाना जाता है। जिसमें मांसपेशी की लंबाई छोटी बड़ी होती है उसको आइसोटोनिक के रूप में जाना जाता है। जिसमें मांसपेशी की लंबाई न छोटी होती है न बड़ी होती है, जिसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं, जिसे दीवार को धक्का मारना। जिसमें एक समान गति होती है मशीनों के द्वारा पानी वाले खेलों में जैसे रोइंग, तैराकी आदि में किया जाता है, उसे आइसोकाइनेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है? तो सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है ऑक्सीजन डेप्ट, एक प्रकार का ऑक्सीजन डेप्ट ही होता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि खेल क्रियाओं के दौरान एक ऐसी अवस्था भी आती है जब खिलाड़ी के अंदर जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई व उसे प्राप्त होने वाली आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उस दौरान हम खेल क्रियाओं को बंद कर देते हैं तथा उस बंद अवस्था के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन व ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः खिलाड़ी के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है तथा वह खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से पुनः संपादित करने के योग्य हो जाता है। इसी को सुपर कंपनसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को क्या कहा जाता है? तो उसे कैलिस्थेनिक व्यायाम कहा जाता है, जो एरोबिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? तो यह होती है होल एंड पार्ट मेथड, होल एंड पार्ट विधि। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है? तो शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस विधि। नेक्स्ट है, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि कौन है? तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस। किसी भी चीज को सीखने की उत्तम विधि है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर को गर्माना वार्म अप है। तो दोस्तों, ये शरीर व मांसपेशी के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे लचीलापन विकसित होता है, जिससे चोट कम लगती है। नेक्स्ट है, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो जो लयबद्ध व्यायाम होते हैं, जो एक लय के द्वारा एक ध्वनि पर आधारित होती है, जो एक मनोरंजन के काम आती है। नेक्स्ट है, ATP तथा PC के बिखराव के से ऊर्जा उत्पादन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? तो यह होता है लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, एरोबिक में लैक्टिक एसिड होगा, अनएरोबिक में दोस्तों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जिसमें तीव्रता ज़्यादा होगी, जिसमें अनएरोबिक में ATP PC प्रणाली के द्वारा ऊर्जा बनता है, जबकि एरोबिक यानी सहनशीलता में जो हमारे अंदर फैट होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर के ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है, किस व्यायाम में चाल पर गति की नियंत्रण होता है? तो चाल पर गति का नियंत्रण तो आइसोकाइनेटिक व्यायाम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलों में टॉप फॉर्म किस क्रिया पर आधारित होता है? तो ट्रेनिंग आपका जैसा रहेगा उसी के अनुसार आपका परफॉर्मेंस होगा, तो ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, ATP PC तंत्र,
लैक्टिक एसिड मसल्स ग्लाइकोजन का प्रतिपाप्ति समय है। तो एटीपी पीसी का 8 मिनट है, लैक्टिक एसिड का 30 मिनट, मसल्स ग्लाइकोजन का 1 घंटा से 1 दिन। ये आपका सीक्वेंस बाई है। नेक्स्ट है, किस क्रम में आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है? तो सबसे पहले हम स्किल सीखेंगे, फिर उसका टेक्निक सीखेंगे, फिर स्ट्रेटजी यानी रणनीति को सीखेंगे, फिर टैक्टिस यानी कि जब खेलों के दौरान क्या हम रणनीति अपना सकते हैं, उसको टैक्टिस कहा जाता है। तो इस आधार पर किस क्रम में आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वार्मिंग अप के प्रकार हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वार्मिंग अप। नेक्स्ट है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। इस बात को किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, याद रखिएगा, जब भी व्यवहार में परिवर्तन की बात आए वहां पर सीखने की बात होता रहेगा। एंड नेक्स्ट है, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने की कौन सी विधि है? तो लचीलापन दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है। तो दोस्तों, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव यानी क्रियाशील और अक्रियाशील, यानी सक्रिय और निष्क्रिय। तो जो सक्रिय होता है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें गतिशीलता को में रेंज और मोमेंट की वृद्धि जो है बिना किसी व्यक्ति और वस्तु की सहायता से किया जाता है। जो निष्क्रिय होता है यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें लचीलापन किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से बढ़ाया जाता है। और जबकि लचीलापन विकसित करने की विधि होती है बैलिस्टिक स्टैटिक डायनामिक एंड पीएनएफ मेथड। तो यहाँ पे विधि नहीं, प्रकार बताया है, जबकि विधि होता है लचीलापन को विकसित करने की बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक मेथड, डायनामिक मेथड एंड पीएनएफ मेथड। इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में थ्योरी सेशन, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और स्पीड ट्रेनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानिए। नेक्स्ट है, पेस दौड़ यानी पेस रन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पेस रन का संबंध गति से है। किससे है? गति से है, क्योंकि गति को विकसित करने की विधि होती है पेस दौड़ एंड त्वरण दौड़ यानी कि एक्सीलरेशन दौड़। जबकि स्पीड जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को कम से कम संभावित समय में पूरा करने की जो क्षमता होती है उसको स्पीड कहते हैं। और जो स्पीड जो है चार पांच प्रकार के हैं, राम लस मैंने आपको ट्रिक बताया था, र से हो गया, आर से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, ए से एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी कि त्वरण योग्यता, एम से मोमेंट या स्पीड या वेलोसिटी गति की चाल, और एल से लोकोमोटर एबिलिटी प्रचलन योग्यता, और पांचवा होता है स्पीड एंड्योरेंस चाल साहसिकता। और त्वरण गति को डेवलप करने की विधि होती है पेस रेस एंड एक्सीलरेशन रेस। यानी कि पेस दौड़ का संबंध किससे है? तो गति से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भार प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेडरिक यान ने किया था। नेक्स्ट है, फाटलेक प्रशिक्षण का संबंध किससे है? तो गोस्टा हमलर ने 1957 में इसको खोजा था, फाटलेक प्रशिक्षण का 1937 में गोस्टा हमलर ने फाटलेक प्रशिक्षण की खोज किया था, जिससे दमखम यानी कि सहनशीलता डेवलप होती है। यह स्वीडिश शब्द स्पीड प्ले से लिया गया है, जिसे गति में चाल इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? दोस्तों, यह शक्ति से है। शक्ति को विकसित करने की तीन विधियां होती हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट, डायनेमिक शब्द का संबंध है, डायनेमिक मतलब गतिशीलता, गतिशीलता का सीधा सीधा अर्थ लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से जाता है। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तभी डायनामिक यानी गतिशीलता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रयास या पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। तो प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, रेस्ट एंड केफर सिद्धांत अंतराल प्रशिक्षण को कहा जाता है। इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है या गति सहनशीलता को डेवलप करता है।
नेक्स्ट दोस्तों, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो तैयारी की प्रक्रिया को वार्मिंग अप कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध क्या है? कि वो त्रुटि ढूंढेगा, गलतियों को ढूंढेगा, उसमें सुधार करेगा। नेक्स्ट है, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? तो खेल के पश्चात, खेल के शुरुआत में क्या करते हैं? वार्मिंग अप, और खेल के पश्चात लिम्बरिंग डाउन यानी कूल डाउन करते हैं। नेक्स्ट है, लीड अप गेम सहायक होता है, यह मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा कला को बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, किस प्रशिक्षण विधि में एरोबिक तथा अनएरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है दोस्तों? तो अंतराल प्रशिक्षण में यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में किया जाता है। इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, जब हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाता है तो क्रिया को रोक दिया जाता है, और अनकम्प्लीट रिकवरी के आधार पर जो ही हार्ट रेट 120 से 140 से पहुंचती है तो तुरंत पुनः खेल को या क्रिया को स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्रियाशील मुक्त गतिविधियां विभाजित हैं, तो ताल में, स्फूर्ति तथा क्रियाशील पकड़ के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद करने के लिए रूपांतरित किया जाता है? तो अच्छा प्रदर्शन जो है विद्यार्थियों के कौशल को अच्छी तरह समझने के लिए रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, खेल का एक आंतरिक इनाम है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। तो दोस्तों, खेल का आंतरिक इनाम है आत्मसम्मान। नेक्स्ट है, किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप में उपयोग किया जाता है? तो आराम की जब भी बात होगा तो अंतराल प्रशिक्षण में दिया जाता है, जबकि इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस प्रशिक्षण विधि में 80-90% तीव्रता होती है? तो सघन अंतराल प्रशिक्षण विधि में, यानी कि जो एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड होता है, एक्सटेंसिव नहीं दोस्तों, इंटेंसिव, जो सघन अंतराल यानी गहन अंतराल विधि में कम समय की होती है, तीव्रता ज्यादा होती है 80-90%, और जो एक्सटेंसिव होता है विस्तृत अंतराल विधि, उसमें 60-70 या 30-40% तीव्रता होती है। नेक्स्ट है, खेलों में शिखर प्रदर्शन का किस पर आधारित है? तो प्रशिक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा पूर्व यानी कि प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की आवश्यकता समय अवधि घंटों में होती है, यानी खेल या प्रतिस्पर्धा से 1-4 घंटे के पूर्व लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। नेक्स्ट है, अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं, तो अधिकतम सामान्य भार को अधिभार या वेटेज बोला जाता है। नेक्स्ट है, भार की विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को किसका प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है? तो प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण साइकिल चालक को विशिष्टता के आधार पर जरूरी होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था? तो वह खेल था फुटबॉल में। नेक्स्ट है, भार प्रशिक्षण जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भार प्रशिक्षण का शुरुआत जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक के द्वारा 1812 में किया गया था। नेक्स्ट है, अधिकतम ताकत यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का विकास किस आयु वर्ग से प्रारंभ होता है? तो 16-18 वर्ष के से आरंभ होता है। नेक्स्ट है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने फिजिकल एजुकेशन पद को किस पद से बदलना स्वीकार किया? तो किनेसियोलॉजी यानी गति विज्ञान से बदलना स्वीकार किया। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग साइकिल में संक्रमण समय ध्येय होता है, तो जो संक्रमण समय यानी कि दोस्तों ट्रेनिंग साइकिल जो पीरियडाइजेशन होता है, इसमें 3 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। तो जिसमें जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है उसमें प्रिपरेशन कराया जाता है, और कंपटीशन पीरियड में मेन कंपटीशन होता है, एंड तीसरा होता है ट्रांजिशनल पीरियड, जो वह समय होता है जहाँ एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वो अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके, और इसको ट्रांजिशनल पीरियड को एक्टिव रिकवरी फेज या पुनर्लाभ फेज कहा जाता है। तो इसमें रेस्ट दिया जाता है, पुनर्लाभ यानी रिकवरी दिया जाता है, इसको संक्रमण काल ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, योग्यताओं में से कौन सी अनुकूलित एवं समन्वित दोनों है? तो अनुकूलित और समन्वित है आपका गति यानी स्पीड।
निर्णय गतिक कौशल प्राप्त करना किस योग्यता पर आधारित है? जो गतिक कौशल होता है वो समन्वय योग्यता पर आधारित होता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कि जो भी मान लीजिए आप एक फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका हाथ पैर और आंख ये सभी अंग समायोजित होते हैं, सभी में कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट, कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो दोस्तों आपको मैं कई बार बताई हूँ कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। मोटर का अर्थ गति से होता है, फिजिकल एजुकेशन में याद रखिएगा। तो यहाँ पे गतिक कौशल प्राप्त करने की, यहाँ पे कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस यहाँ पे पूछा हुआ है। तो स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन आता है। तो यहाँ पे पेशीय सहन शक्ति आपका राइट होगा। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया अवधि किसका एक घटक है? तो यह क्या है, एक मोटर क्षमता का घटक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया, गामक नियंत्रण और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है तथा जो खिलाड़ी के सामूहिक गतिविधियों को सुयोग्य बनाता है उसे समन्वय योग्यता यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहा जाता है। उसे समन्वय योग्यता यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है? तो दोस्तों समय और स्थान के अनुसार जो अपनी गतिविधि को निर्धारण करती है उसे ओरिएंटेशन एबिलिटी या निर्धारण योग्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ समय स्थान की बात आए वहाँ निर्धारण योग्यता हो जाएगा, जहाँ बदलती हुई परिस्थिति की बात आए, वातावरण की परिस्थिति की बात आए और उस पर समायोजन की बात आए, अनुकूलन की बात आए, वहाँ पर एडॉप्टेशन एबिलिटी होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है उसे रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं, जैसे कि बंदूक का आवाज़ सुनते ही तुरंत रिएक्शन करना, दौड़ना स्टार्ट कर देना, वो प्रतिक्रिया योग्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एंड डायनामिक यानी गतिक अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? तो दोस्तों उसे संतुलन योग्यता कहते हैं यानी बैलेंस एबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, परिवर्तित परिस्थितियों यानी परिस्थिति में बदलाव के अनुसार गतिविधियों में प्रभावी परिवर्तन करने की योग्यता को अनुकूलन योग्यता यानी कि एडॉप्टेशन एबिलिटी कहते हैं। जब भी परिस्थितियों में बदलाव की बात करें वहाँ पे अनुकूलन योग्यता यानी कि एडॉप्टेशन एबिलिटी होगा, और जहाँ पे समय और स्थान के आधार पर स्थिति में परिवर्तन की बात होगा वहाँ ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी कि निर्धारण योग्यता होगा। ये सभी आपके कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के प्रकार हैं। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी 7 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने ट्रिक बताया था, ए बी सी डी आर आर ओ। ए से एडाप्टेशन एबिलिटी, अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस एबिलिटी, संतुलन योग्यता, सी से क्यूपलिंग एबिलिटी, युग्मन योग्यता, फिर डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी, पृथककरण योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी, तालमेल योग्यता, फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी, प्रतिक्रिया योग्यता, फिर ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी, निर्धारण योग्यता। कोऑर्डिनेशन वाले वीडियोज को देखिए, थ्योरी सेशन वाला, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी योग्यता है जो कि खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को सार्थक ढंग से संयुक्त करती है? तो जब भी बात आए शरीर के विभिन्न भागों को सार्थक ढंग से संयुक्त करने का, तो उसे युग्मन योग्यता। कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है? तो उसे पृथककरण योग्यता यानी कि डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधि की लय और भार को ग्रहण करने के पश्चात क्रिया उत्पन्न किया जाता है? तो उसे लयात्मक योग्यता कहा जाता है यानी रिदमिक योग्यता या तालमेल योग्यता इसको कहा जाता है। यानी कि रिदमिक या लयात्मक योग्यता वह योग्यता होता है जो किसी गामक क्रियाओं में बाह्य गतिविधि के लय को तुरंत ग्रहण करती है, जैसे कि स्केटिंग,
जिम्नास्टिक में खिलाड़ी म्यूजिक के आधार पर अपनी गतिविधि करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये दूसरा पार्ट था स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड का, एंड मिलते हैं तीसरा पार्ट को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।